हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स आज बहु रेसिपी ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हैप्पी न्यू ईयर, एक तारीख है तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को हमारे परिवार की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को हमारी तरफ से। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है आपको पता है वो न्यू ईयर के ऊपर ही होने वाला है। न्यू ईयर करते हैं अपने इस ब्लॉग को यहीं से। तो अभी देखो कितने अच्छी धूप आई है हमारे यहाँ पे। हाँ, पेड़ कट गए तो धूप अच्छी आ रही है। तो जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह करके काम वगैरह करके धूप सेकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। मशीन लगा रखी है पर कुछ कपड़ों की बना रही रोटी। सेम टू यू चरणजीत। ऐसे भी बोला था मैंने रात को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त। तो यहाँ पे बन रही है चाय, ये काली चाय नहीं है, अभी दूध डलेगा इसमें। यहाँ बना रही मम्मी गांव की मंडे की रोटी। ये है मंडे की रोटी। वो है भुजी। ये है पत्ता गोभी की सब्जी। शिवू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर बोलो। मोटू तो माँ शाम नहा धो के रेडी, बिल्कुल घूम के भी आ गया। वो नीचे पापा घुमा के ले आए उसको एक बार। अब आ रही नींद, छोई छोई करेगा, छोई 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 छोई, चलो छोई छोई करेंगे। सो गाइज, अब काम धाम हमारा सब हो चुका है। ये भी उड़ गए, इनकी नाइट थी एक्चुअली, तो सोए हुए थे। अब ये जा रहे हैं नहाने के लिए और हम पिज्जा मंगा रहे हैं, ठीक है, मंगा लो मंगा लो, क्योंकि पेमेंट करने वाले यही है। मैं भी कर सकती हूँ पर इनके फोन से। तो चलिए मंगाते पिज्जा। आप कौन सा खाओगे? आप शेयरिंग में खा लेना, क्योंकि तो मैं मंगाऊंगी, मेरे मंगवा देना पास्ता पिज्जा। पास्ता पिज्जा, हाँ ठीक है, तो हम दोनों शेयरिंग में खा लेंगे। पूछते हैं दीपिका से कि दीपिका को कौन सा पिज्जा पसंद है, कौन सा पिज्जा खाओगे? चीज बस। चीज बस पिज्जा तो है, कौन सा खाओगे चीज बस में? पास्ता पिज्जा। उसको भी पास्ता पिज्जा पसंद है, तो इसके लिए भी पास्ता पिज्जा मंगाएंगे। आप पूछेंगे मम्मी से, मम्मी को कौन सा पिज्जा खाना है? सब्जी वाला। मम्मी सब्जी बहुत लाते हैं, मम्मी को सब्जी पसंद है, इसके ऊपर सब्जियां लगे हो। तो मम्मी के लिए मंगाते हैं सब्जी वाला। तो अब हम करेंगे अपनी पार्टी, क्योंकि इनकी नाइट है तो रात को तो हो नहीं पाएगी पार्टी हमारी। जो मेरे हस्बैंड ना वो तो नहीं खाते बाहर का, मतलब हमने बना दी सब्जी मूली की और झुंगुरा। झुंगुरा मीन्स तो झुंगुरा होता गढ़वाल, वो भात जैसा, मतलब भात भी बना सकते हैं उसका भात। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बनाया मम्मी ने। तो अब हम मंगाएंगे पिज्जा और हम करेंगे अपनी पार्टी। तो ये है हमारे पास गाजर का हलवा भी, हमारे पास आज गाजर का हलवा खाएंगे हम, ये जो कि बनाया है घर पे। और साथ में बनाया है यहाँ पे मूली की थिचौनी बनी है, मूली को थीच के बनाई जाती है, जो पापा को एक्चुअली पापा को खाना दे दिया इसलिए थोड़ा थोड़ा बचा है, पापा के हिसाब से बनाया था खाना। भात जैसा होता है ये, ऐसा होता है छोटे छोटे, ये बनाया। सो गाइस, जब तक हमने बाकी चीजें ऑर्डर की हुई है तो तब तक गाजर का हलवा एंजॉय करते हैं अपना। तो हम खाएंगे गाजर का हलवा क्योंकि भूख लग गई है। ये आपके लिए तो मैं खा रही हूँ, बना है। आप भी खाओ, कोक के बिना तो हर चीज अधूरी है। ये पाड़ी पाड़ी पाड़ी। हर साइज का गिलास है गैस। कोई ज्यादा पीता मर में, कोई कम पीता, दीपिका तो बहुत कम पीती है। पिज्जा के साथ ज्यादा अच्छा है। आज में हमने मंगाए हैं पिज्जा, तो तीन पिज्जा मंगाए हमने मीडियम साइज के, और मंगाया बर्गर मैकडॉनल्ड का, और ये इनका है चिकन बर्गर। देसी देसी, ये मेरा सब्जी वाला पिज्जा है। नहीं, ये है पास्ता, ये भाभी ने मंगाया था। ये हाँ, ये बनाना है सब्जी सब्जी वाला। और ये है मेरा, ये दीपिका का, उसी की तरह लग रहा है। दिखाना तो सुंदर है, काफी सुंदर है, कितना क्यूट है, दिखाना इसका मेकअप ज्यादा हो रहा है। मेरी तरह मेरी तरह, ये महंगे पार्लर में गया। तो ये मम्मी का है, वैसे हम शेयरिंग में खाएंगे सारे, तो सबका टेस्ट लेंगे कौन कैसा हो रहा है। आप करते हैं, ये डाल दो पहले, पहले डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और
कुरकुरे मोमोज भी आ गए हमारे, पूनम ओपनिंग कर रही है इसके। बहुत टेप लगाते हैं लोग। कुरकुरे मोमोज भी आ गए, वाओ। खोलने के लिए यम्मी लग रहा है। तो चलिए पर गाइस खाते हैं फटाफट। स्टार्ट करते हैं 1 2 3। वीडियो नहीं बना रहे, खाना खाना। मैं बोला तो देखो चीज चीज बस मंगवाया, पसंद यही है सबको, चीज बस। वो खा रहे अपना बर्गर बुर्गी। मैं खाती हूँ कुरकुरे मोमोस। आई लव कुरकुरे मोमोस। यम। पार्टी हो गई है, डन। मजा आया? हाँ बहुत ज्यादा। चीज बस पिज्जा खा के तो सही आ गया। मेरे को तो फेवरेट लगे कुरकुरे मोमोस, मुझे बहुत पसंद है कुरकुरे मोमोस एक्चुअली। मम्मी को पूछते मम्मी को कैसा लगा। अभी हमारे शम्मू सोर खा, इसलिए हमने आराम से पार्टी कर ली। आपको कैसा लगा पार्टी खा के? मजा आ गया, नींद आ गई। तो आप सो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शिवान सोर खा थोड़ा थोड़ा। अगर शिवान सो गया तो तब तो कोई नहीं सो सकता, मतलब ही नहीं बनता कि कोई सो जाए। तो चलो आप थोड़ा थोड़ा सो जाते हैं, फिर उठ के मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे शाम को सीधा। तो गाइस यहाँ पे हो रही है शाम के खाने की प्रिपरेशन। अभी 6:30 ही हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो अभी से खाना हमारा इसलिए बनने लग गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है ड्यूटी, तो उनके लिए बन रही है ये आलू बड़ी की सब्जी। सब्जी बनाई मैंने, आटा भी गूंद दिया है। तो जाना तो पहले वैसे उन्होंने 8 बजे, बट पहले बना लिया मैंने खाना। तो अब हमारा रात का, हम तो नहीं खाएंगे दिन का ही खाना, ऐसा फुल हो रखा है बिल्कुल। तो इनके लिए बनाना तो जरूरी है क्योंकि ड्यूटी में भूख लगेगी, तो इनके लिए बना रहे हैं, पापा के लिए बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत मम्मी और खा ले। तो अभी छोटू और मम्मी उधर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको छोटू और मम्मी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैडम सो रही है, यहाँ पे ये तय लगाने वाले कपड़े हैं, ये मत सोचना मैं सो रखा है, ये सारे सुबह कपड़े धो रखे हैं जो वो वाले तय लगाने। मैं बैठा करती हूँ अपनी दादी के साथ। कप्पू क्या कर रहा है? एक कप्पू क्या कर रहा है? तब तू बेड़ पाको देख रहा हूँ। बेड़ पाको नहीं, बलमा 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 तुमको देख रहे बलमा। शक्ति कपूर का डायलॉग बलमा। सो गाइज हमारे ड्यूटी जाने वाले, ड्यूटी चले गए और हमने भी खाना वगैरह सब खा लिया। रात का खाना हो गया हमारा, हमने बता दिया रात को क्या बनाया था। हमने सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी, रोटी खाई उसके साथ। मेरे आगे देखो कैसी काली हो गई, मैंने रील्स बनाई थी ना, थोड़ा सा वो लगाया था मस्कारा, तो काला काली हो गई सारी आंखें। तो ये देखो छोटा बाबू है, इस बच्चे को आ रही है नींद। आप लोग बोलते होंगे इसको नींद ही आती रहती है, इसको नींद ही बस सोता ही रहता है। तो अब इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। तो आई होप आपको हमारी छोटी सी पार्टी पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हैप्पी न्यू ईयर गाइस, तुमने कैसे मनाया ये भी बताना। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आपको सबको। तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबको देखो देखो बाय बोल दो, चलो बाय बोल दो, बाय बाय। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।